नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, होम पब्लिक स्कूल जसलपुर की ओर से मैं आपका कक्षा 3 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमने स्वर और व्यंजन का जो अभ्यास किया था और गिनती भी ली थी 1 से 10 तक, वर्णमाला का सचित्र परिचय किया था, स्वर और व्यंजन में लिखे थे। चौथा प्रश्न चित्र के आधार पर है कि सही शब्दों की पहचान कीजिए, वह जब आपकी स्वाध्याय पोथी आपके पास आएगी तब हमें लिखना है। खाली स्थान में उचित वर्ण रखकर नाम पूर्ण करो। तो जे खाली जगह में जे शब्द छूटी गयेलो छे एने आपणे पूर्ण करवानो छे। शब्द आपेलो छे पण खाली खाली जगह में जे आप्यो होय एने आपणे पूरो करवानो छे। तो एमां जे पहेलो शब्द छे आपेलो छे तो गाय शब्द पची से बकरी शब्द आप शिक्षक तो सी शिक्षक पुलिस पची से संतरा संतरा मटर 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 शब्द से पची से सेम उंट दाकिया डॉक्टर दा डॉक्टर दर्जी तो जे खाली जगह में जे शब्द बाकी छे एमां पूर्ण करवानुं छे। तो पहेलो जे शब्द छे गाय, तो गाना नीचे लीटी करीशुं गाय। बकरी बकरी शिक्षक पुलिस कुम्हार संतरा मटर सेब बैंगन भैंस ऊंट डाकिया डॉक्टर दर्जी हलवाई अने बढ़ाई। तो आ शब्दों तमारे तमारे नोटबुक में लखवाना। मारे मित्रों, तमारे जे लेक्चर आवे छे ए तमारे मारी साथे लखवाना रहेशे।
ઘણા વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓની એવી ફરિયાદ હોય છે કે ભાઈ આ ચાલ્યું નથી અને તમે ટેસ્ટમાં કેવી રીતે મૂક્યું, શું કહે છે કે ચાલ્યું નથી કેવી રીતે મૂક્યું છે, તો પુસ્તકમાં શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ સાથે સાથે આપણે સ્વાધ્યાયપોથીનો પણ અભ્યાસ આપણે કરાવીએ છીએ તો સ્વાધ્યાયપોથીમાં આપેલું હોય છે. જ્યારે સ્વાધ્યાયપોથી તમારી પાસે હોતી નથી પણ જો તમે આ લેક્ચર જુઓ અને આ લેક્ચરમાંથી તમે લખશો તો ચોક્કસથી તમને ફાયદો મળશે. માટે આ નોટબુકમાં તમારે આ જે શબ્દો છે એ બધા ખાલી જગ્યા ખાલી સ્થાનને ઉચિત વર્ણ રખકર નામ પૂર્ણ કરો. ય આખો ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય અક્ષર મૂકીને નામ તમારે પૂરું કરવાનું રહેશે. તો આજે આપણે આટલું